आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक भेजे जाने पर देश पूरा का पूरा भारत देश इस समय उल्लास का वातावरण देश भर में दिखाई दे रहा है। और इस वातावरण के भगवान शिव की नगरी सिवनी अछूती नहीं है। सिवनी में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता पर बहुत उत्साह दिखाया गया, फटाके फोड़े गए। इस दौरान उनके द्वारा आपस में बधाइयां दी गईं, मिठाइयां बांटी गईं। वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के खाते में आई है, देश के वैज्ञानिकों के खाते में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आई है। इसके पहले लूना 25 रूस के द्वारा भेजा गया था, जिसकी लागत 1600 करोड़ रुपए के लगभग थी। चंद्रयान 3 की लागत 615 करोड़ रुपए में ये चांद पर पहुंचा। वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और 1969 में जब पहली बार एक यान भेजा गया था, उसकी लागत चंद्रयान की लागत से कई गुना ज़्यादा थी। सुजीत जैन, प्रेम तिवारी यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, युवराज सिंह रहांगडले। भारतीय जनता पार्टी उल्लासित दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह उल्लासित दिख रहे हैं। और सभी के सभी यहाँ आप नारेबाजी देख सकते हैं, किस तरह से देश के इस गौरव गर्व के क्षण पर किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। चंद्रयान पहुँचा चांद पर और भारत की तपस्या पूरी हुई है। चांद पर पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला न थमने वाला सिलसिला जिस तरीके से चल रहा है, वो वास्तव में देश के लिए गर्व की बात है। और 23 अगस्त 2023 की तारीख हर जगह ये तारीख अजर अमर हो चुकी है। इस तारीख को शायद ही कोई भूल पाए। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, समूचे भारतीय करोड़ों भारतीय जश्न में डूब गए। बेंगलुरु में इसरो के मिशन ऑपरेशन कमांड सेंटर से वैज्ञानिक वहां पर भी खुशी में झूम गए। सिवनी का हम ये आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, सिवनी में बाहुबली चौराहे का ये नज़ारा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। तालियों की गड़गड़ाहट और वैज्ञानिकों के चेहरों की जो मुस्कान थी, वो एक असाधारण उपलब्धि की ओर इशारा कर रही थी। पहली बार कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने में कामयाब हुआ है, वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बड़ी उपलब्धि के साथ हम आपको बता दें, इस चंद्रयान 3 के मिशन में सिवनी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक वैज्ञानिक भी की अहम भूमिका रही है। प्रमोद कुमार सोनी, जो इसके पहले मिशन मंगल में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं। सिवनी में गवर्नमेंट स्कूल में उनका अध्ययन हुआ, उसके बाद उनके द्वारा आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया गया। मिशन मंगल में 2014 में उनके द्वारा जब सितंबर 2014 की बात है, तब नरेंद्र मोदी खुद बेंगलोर में मौजूद थे और उन्होंने प्रमोद कुमार सोनी के हाथ मिलाकर उन्हें बहुत बधाई दी थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और जिस तरह से इस उपलब्धि को मनाया जा रहा है, ये वास्तव में हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की पूरी टीम की तरफ से इस पूरे मिशन के लिए बधाइयां। हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।